नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं। उससे पहले कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूं। कल की जो रीवेरिफिकेशन की डेट है वो ओवर हो चुकी है। जिसने भी रीवेरिफिकेशन नहीं कराई थी, अगर जिसका भी मेरिट में नंबर कम हो, उसका नाम गलत आ रहा है, किसी के कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह में दिक्कत हो रही हो या फिर डेट ऑफ बर्थ में किसी की प्रॉब्लम आ रही थी, वो कल जाके रीवेरिफिकेशन करा सकता था। लेकिन जिस बच्चे ने नहीं कराई है रीवेरिफिकेशन, अब रीवेरिफिकेशन की डेट ओवर हो चुकी है, तो अब हो नहीं सकता। वो अगले साल ही रीवेरिफिकेशन करा सकता है या फिर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नहीं तो उसको इसी जो गलत सर्टिफिकेट आए हैं उसी के आधार पर चलना पड़ेगा आगे। और जो अपडेट है मैं वो बताना चाहता हूँ कि आगे क्या अपडेट है। न्यू अपडेट उसमें जो आज फाइनल मेरिट लिस्ट निकलने वाली है उसकी अपडेट बताना चाहता हूँ कि जो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन था जो कल तक खुला था, जो जबकि 26 को बंद होने वाला था, वो आज बंद हो चुका है। यानी कि मतलब जो चॉइसें हैं, जिस बच्चों ने चॉइसें फिल्ड की थी, जितनी भी की हो, 100 तक चॉइसें थी जिसने भी की थी, वो बंद हो चुकी हैं। आप कोई ड्रैग व्रैग नहीं कर सकते, ऐड प्लस नहीं कर सकता, चॉइस नहीं कर सकता, तो आज बंद हो चुकी है। या इसका मतलब ये है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है, 1-2 घंटे में आ सकती है, 1-2 बजे तक, 3 बजे तक, शाम तक आ जाएगी, एम उससे पहले ही आ जाएगी, इतना एक्सपेक्ट है। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जिसके भी जो भी रैंक है वो रैंक अपनी रैंक लिख के ओपी लिख के कमेंट कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।